कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एट मैनी टाइम्स मैन इट्स वेन यू आर गोइंग थ्रू योर 11th यू आर गोइंग थ्रू योर 12th वेदर यू आर इन कॉलेज, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे टाइम एक ग्रे जोन पे आते हैं। वो ग्रे जोन का मतलब होता है कि यू आर नॉट अवेयर कि क्या करें, या इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डेट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, सर ऐसे में क्या करें, ऐसे में सॉर्ट करें। सर व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट? कभी कभी सबसे हटके अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में अपनी स्ट्रेंथ्स लिखना, द स्ट्रेंथ डेट हैज़ हेल्प्ड यू थ्रू आउट। कभी कभी अपनी भी उसके साथ ही एज स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेंथ्स, जिसने आज तक आपको आपकी लाइफ के सर्वाइवल में और आपके अचीवमेंट में हेल्प की। द सेकेंड इज योर वीकनेस, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, जिसने आपको आपके हर करियर ऑप्शन में कहीं ना कहीं रोक के रखा है, या हर एग्जाम के पहले या लाइफ के हर अचीवमेंट के पहले बस वो आपकी लाइन क्रॉस होने के पहले आपको रोक देती है। देन द अपॉर्चुनिटीज यू हैव, अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द मार्केट, अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स दैट यू हैव, इवन अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स यू हैव। कहीं कहीं पे आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपकी सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के एफर्ट्स के थ्रू। एंड द टी इज थ्रेट, वॉट इज एक्चुअली थ्रेटनिंग यू टू गेट दैट थिंग, टू गेट दैट गोल? अगर आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, और मैं बोलता हूँ आपको ये चीज ऑलमोस्ट एवरी 2 months और एवरी 1 month करनी चाहिए, जब आप ये करते हैं तो आप रीशेप करते हैं अपनी लाइफ को आपके गोल पे आने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।